Hello everyone, welcome to this channel Grow and Shine. Today we are going to continue the chapter The Canterville Ghost from Ratnasagar Focus English class. In last video we read Mr. Otis had bought a Canterville chaise and he was warned not to buy that manor as it was haunted. Some unusual happenings the Otis family deal in house. And one day Mr. Otis faced an old man, old terrible man actually, and treated him as a normal man. So let's see the reaction of the ghost now. For a moment, the Canterville ghost stood quite motionless in natural indignation. कुछ समय के लिए तो जो कैंटरविल घोस्ट था वो मिस्टर ओटिस के इस बर्ताव की वजह से उसको लगने लगे कि अरे ये तो डरा ही नहीं है ना, तो अभी वो क्या है, बिल्कुल क्वाइटली जो है वो खड़ा है, बिल्कुल मोशनलेस, उसके अंदर कोई मोशन नहीं था और उसके अंदर काफ़ी क्या था, गुस्सा था, नेचुरल इंडिग्नेशन था, वो काफ़ी गुस्से में था और बिल्कुल शांत खड़ा था कुछ देर के लिए. देन डैशिंग द मोटल वॉयलेंटली अपॉन द पॉलिश्ड फ्लोर, और पॉलिश्ड फ्लोर पर उसने गुस्से में बहुत ज़ोर से बोतल को उठा के फेंक दिया. He fled down the corridor, uttering hollow groan, and emitted a ghastly green light. और बोतल को फर्श पर जोर से पटकते हुए ही वह खोखली कराहती हुए भयानक सी हरी रोशनी छोड़ते हुए कॉरिडोर से नीचे की तरफ भाग गया. Just however, as he reached the top of the great oak stairs, हालांकि जैसे ही वह बड़ी ओक सीढ़ी के टॉप पर पहुंचा, a door was flung open, और दरवाज़ा खुला हुआ था, एक दरवाज़ा खुला हुआ था. Two little white robed figures appeared, और दो छोटी सफ़ेद वस्त्रधारी आकृतियाँ या फिगर दिखाई दीं. And a large pillow whizzed past his head, और एक बड़ा तकिया उसके सिर के पास से गुजर रहा था. There was evidently no time to be lost, और जाहिर तौर पर बर्बाद करने के लिए या वेस्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं था. सो इसलिए हैस्टली अडॉप्टिंग द फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस एज अ मीन्स ऑफ एस्केप ही वैनिश थ्रू द मीन्स कोटिंग एंड द हाउस बिकेम क्वाइट क्वाइट. जल्दबाजी में अंतरिक्ष के चौथे आयाम को भागने के साधन के रूप में अपनाते हुए वह विंस कोटिंग के जरिए से गायब हो गया और घर में काफ़ी शांति सी हो गई. फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस means a place which only ghost can access, जहाँ सिर्फ और सिर्फ spirits access कर सकते हैं, यानी पहुँच सकते हैं. On reaching a small secret chamber in the left wing, he leaned up against a moonbeam to recover his breath. Left wing के एक small secret chamber में पहुँचने पर वो moonbeam means चाँद की रोशनी या चांदनी, चांद की रोशनी के सामने थोड़ा झुक करके अपनी सांस को रिकवर करने लगा. एंड बिगेन टू ट्राई एंड रियलाइज हिज पोजिशन, और फिर वो अपनी ही स्थिति को का एहसास करने की कोशिश करने लग गया. नेवर इन अ ब्रिलियंट एंड अन इंटरप्टेड करियर ऑफ 300 ईयर्स हैड ही बीन सो ग्रॉसली इंसल्टेड. 300 साल के शानदार और अबाधित करियर में उनका इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ था. He thought of the Dowager Duchess, whom he had frightened into a fit as she stood before the glass in her lace and diamonds. उसने डाउजर डचेस के बारे में सोचा जिसे उसने फीते और हीरों के साथ कांच के सामने या शीशे के सामने खड़े होने पर डरा दिया था. यहाँ डाउजर का मतलब है जो रानी या कोई उपाधि रखने वाली जो लेडी होती हैं जब वो विडो हो जाती हैं उनके लिए है. एंड डचेस मीन्स रानियाँ, मतलब कि वो रानी जो अभी विडो हैं. ऑफ द फोर हाउसमेट्स हु हैड गॉन इनटू हिस्टेरिक्स व्हेन ही मेयरली ग्रिन्ड एट देम थ्रू द कर्टेन्स इन वन ऑफ द स्पेयर बेडरूम्स. उन चार घरेलू नौकरानियों के बारे में सोचा था जो तब पागल हो गई थी जब वह एक अतिरिक्त या किसी और कमरे में पर्दों के माध्यम से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था. ग्रीन मतलब थोड़ा आवाज़ करके मुस्कुराना, एंड हिस्टेरिक्स मींस जब कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे रोने लग जाता है. सो यहाँ पर जो घोस्ट है वो अपने हिस्ट्रीज के बारे में सोच रहा है कि उसने किस किस तरीके से कितने कितने लोगों को डराया था लाइफ में.
of the rector of the parish, whose candle he had blown out as he was coming late one night from the library. पैरिश के रेक्टर का, जिसकी मोमबत्ती उसने लाइब्रेरी से आते वक्त लेट नाइट आते वक्त बुझा दी थी. एंड हु हैड बीन अंडर द केयर ऑफ सर विलियम गुल, और जो कि सर विलियम जो कि एंड जो सर विलियम गुल की देखरेख में था. रेक्टर मीन्स प्रीस्ट इन अ चर्च एंड पैरिश इज एन एरिया अंडर द चर्च फॉर विच अ रेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल. And of old Madame de Tremulec, who having wakened up one morning early and seen a skeleton seated in an armchair by the fire reading her diary, had been confined to her bed for 6 weeks with an attack of brain fever. और उसने old Madame de Tremulec के बारे में सोचा, जिसने एक सुबह जल्दी उठी और आग के पास कुर्सी पर बैठे हुए एक कंकाल को अपनी डायरी पढ़ते हुए दिखा, जो मस्तिष्क ज्वर ब्रेन फीवर के कारण 6 वीक्स तक अपने बेड पर पड़ी रही. ही रिमेंबर्ड द टेरिबल नाइट व्हेन द विकेट लॉर्ड कैंटरविल वाज फाउंड चॉकिंग इन हिज ड्रेसिंग रूम विद द नेव ऑफ डायमंड्स हाफ वे डाउन हिज थ्रॉट. उसे उस भयानक रात की याद आई जब विकेट यानी दुष्ट लॉर्ड कैंटरविल को उनके ड्रेसिंग रूम में आधा कार्ड गले से नीचे दबाया हुआ पाया गया था. And confessed that he had cheated Charles James Fox out of 50,000 pounds at Crockford's by means of that very card, and swore that the ghost had made him swallow it. और उन्होंने इस बात को कबूल किया, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने चार्ल्स जेम्स फॉक्स को धोखा दिया क्रॉकफोर्ड्स में 50,000 pounds उसी कार्ड का, और कसम खाई कि भूत ने या घोस्ट ने उसे निगल लिया था. केम बैक टू हिम अगेन, उनकी सभी महान उपलब्धियां फिर से उनके पास वापस आ गईं. विद द एंथुजियास्टिक इगोटिज्म ऑफ द ट्रू आर्टिस्ट ही वेंट ओवर हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड परफॉर्मेंसेस. सच्चे कलाकार के उत्साही अहमभाव के साथ उन्होंने अपने सबसे मशहूर प्रदर्शनों को देखा या याद किया. And smiled bitterly to himself as he recalled to mind his last appearance as Red Ribbon, his debut as Count Gibeon, and the furor he had excited one lovely June evening. उसे याद करते हुए खुद पर कड़वी हंसी के साथ मुस्कुराए, और जब उन्होंने रेड रूबोन के रूप में अपनी आखिरी उपस्थिति और गॉन्ट गिब्योन के रूप में अपनी पहली उपस्थिति या प्रस्तुति को याद किया, और उन्होंने जिस हंगामे के साथ लोगों को उत्साहित किया था जून की लवली इवनिंग्स में, बाय मेयरली प्लेइंग 9 pints विद हिज ओन बोन्स अपॉन द लोन टेनिस ग्राउंड. सिर्फ 9 pints खेल खेलकर लॉन टेनिस के मैदान पर अपनी हड्डियों के साथ. 9 pints एक तरीके का खेल है जो इस घोस्ट ने शायद अपने बोन्स के साथ, अपनी हड्डियों के साथ खेला होगा, तो इसकी बात यहाँ पर वो कर रहे हैं. After all this, some wretched modern Americans were to come and offer him the rising sun lubricator and throw pillows at his head. और इस सब के बाद कुछ मनहूस आधुनिक या लेटेस्ट अमेरिकियों को आना था, और उन्हें राइजिंग सन लुब्रिकेटर की पेशकश करनी थी और उनके सर पर तकिए फेंकने थे. It was quite unbearable, और ये काफ़ी असहनीय था. Besides, no ghost in history had ever been treated in this manner. इसके अलावा इतिहास में किसी भी भूत के साथ इस तरह का व्यवहार या बर्ताव नहीं किया गया होगा. Accordingly, he determined to have vengeance and remained till daylight in an attitude of deep thought. तदनुसार उसने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और दिन के उजाले तक गहरे सोच में डूबा रहा. So this is an extract from The Canterville Ghost written by Oscar Wilde. The Canterville Ghost एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है जिसका एक छोटा सा अंश है, एक्सट्रैक्ट है या यहाँ पर हमारे इस बुक में इस चैप्टर के रूप में. सो चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है. इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड बाकी चीज़ें हम इन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.